लोग से इतना सा रिक्वेस्ट है, प्लीज 10K सब्सक्राइबर्स हिट करवा दो, तुम लोग के लिए भी व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। Okay, so what's going on people, welcome back to Witch Zone, this is your boy Ricky Karke, so how's you guys doing? Okay, so आज हमारा वीडियो होने वाला है फुटवेयर पे, जैसे कि तुम लोग ने थंबनेल में देख लिया रहेगा। और आज मैं तुम लोग को मॉनसून के सारे फुटवेयर्स बताने वाला हूँ, मतलब अभी जो जो डिमांड में बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो बहुत ट्रेंडिंग आर्टिकल्स है। पर सबसे मेन चीज़ मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बहुत महंगी बेच रहे हैं, बहुत महंगी। और आज मैं तुम लोग को जो जगह पे लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे तुम लोग को सेम चीज़ हाफ प्राइस में मिलने वाला है, हाफ प्राइस में। और अगर तुम लोग सेम चीज़ होलसेल में खरीद रहे हो तो मतलब हद पार डिस्काउंट मिल जाएगा तुम लोगों को। और ये चीज़ मैंने खुद ने बहुत महंगी ली थी, मीरा रोड से लिया था मैंने, मीरा रोड से मेरे को बहुत महंगा पड़ा था, मैंने बहुत घाई घाई में लिया था तो मेरे को बहुत महंगा पड़ा था। और मेरे को नहीं चाहिए कि तुम लोग भी सब महंगे महंगे चीज़ों में पैसा डाल दो, तो आज मैं तुम लोग को ऐसी शॉप पे लेके जाऊंगा जहाँ सेम चीज़ तुम लोग को हाफ प्राइस में मिलने वाला है। और अभी मैं गोरेगांव स्टेशन पे खड़ा हूँ और अभी मैं तुम लोग को सीधा शॉप पे लेके जाता हूँ और प्रॉपर तुम लोग को एड्रेस दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस प्रोवाइडेड रहेगा और अंकल का नंबर भी डाल दूंगा, सो कॉन्टैक्ट कर लेना और आ जाना। इट्स गोइंग सो अभी हम लोग बस स्टॉप पे आ गए और बस स्टॉप से तुम लोग को 2 मिनट भी नहीं लगेगा शॉप के वहाँ तक पहुँचने में। बस स्टॉप से सिंपल तुम लोगों को जेरोक्स वाला दिखता रहेगा, जेरोक्स वाले से सिर्फ तुम लोगों को लेफ्ट लेना है और वहाँ पे किसी को भी पूछ लोगे लेफ्ट राइट फुटवेयर तो कोई भी तुम लोगों को बता देगा और 2 मिनट के अंदर ही तुम लोग उधर पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा एड्रेस का, तो ईजी पड़ेगा तुम लोगों को। सो लेट्स गो। ओके सो अभी तुम लोग देख सकते हो हम लोग आ गए हैं शॉप के बाहर और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मेन कलेक्शन दिखाना। तो देखो हम लोगों ने ये वाला एक बाइक ही है और शायद से मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम आता रहेगा, हम लोग के पास ऑलरेडी है पर हम लोग के एक दोस्त को चाहिए था, पर मैंने और अप्पू ने ये बहुत महंगा खरीदा बहुत ज़्यादा महंगा, तो अभी ये हम लोग ने खरीदा। ओके सो गाइस अभी जस्ट मैं शॉप से बाहर आया और सीन ये हो गया कि वो लोगों ने मेरे को वीडियो शूट करने नहीं दिया, वो लोग बोल रहे कि मतलब अलाउड ही नहीं, हम लोग यूट्यूब पे वो सब अलाउड ही नहीं करते, मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालना, तो मेरा वो सीन हो गया। पर मैंने अंदर जाके कुछ भी करके मेरे को पता था कि मैं रिटर्न तो फालतू आने नहीं वाला हूँ, तो मैंने सिनेमैटिक वीडियोस ले लिए, मैंने उधर बातचीत जरा सा भी नहीं किया और तुम लोग को मैं प्राइस उधर लिख के तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस उसका कितना होने वाला है। तो मेरे को खुद को भी बुरा लगा कि मतलब वीडियो बनाने नहीं मिला एकदम प्रॉपर, वरना मैं एक एक चीज़ का उसको आर्टिकल तुम लोग को बता के परफेक्टली बनाता, पर कोई गम नहीं, मैंने वीडियो तो ले लिया तो इसके लिए वीडियो तो अच्छे से बन गया। मैं अभी और एक शॉप पे भी जा रहा हूँ और वहाँ पे भी अभी देखता हूँ कि वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है या सेम ही है, उसके बाजू में ही है, मैं ऊपर डाल दूंगा मतलब उसका भी एड्रेस, तो उधर देखते हैं कि उधर का प्राइस सेम रहेगा या उसका प्राइस थोड़ा सा अलग रहेगा। सो लेट्स गो।
हाँ, इस प्लेन वाले का प्राइस क्या है भाई? ओके, सो अभी जस्ट मैं मेरे घर के बाहर पहुंचा, बैक टू आवर सिटी। और इसके पहले तुम लोग ने देखा रहेगा, अभी मैं एक शॉप पे जाके आया और वहाँ पे मैंने उसको वो आदमी को मतलब मैंने प्राइस पूछाया। विरार में जो एक शॉप है जहाँ पे मतलब सेम चीज़ मिलता है, पर उसने तुम लोग ने देखा रहेगा, अगर तुम लोग ने ध्यान से सुना रहेगा तो उसने बोला कि उसका प्राइस है 700 और जो पैटर्न वाला रहेगा वो तुम लोग को उसके पास 900 में मिल जाएगा। सो यहाँ पे प्राइजेस बहुत डिफरेंट है और यहाँ के मेरे को पता नहीं है स्टोर्स वाले अलाउ क्यों नहीं कर रहे, मतलब वीडियो बनाने को कोई दे ही नहीं रहा। किसी को भी पूछ रहा हूँ कि मेरे को हल्का सा एक शॉर्ट चाहिए वीडियो के लिए यूट्यूब पे डालने के लिए, तो सब लोग बोले सॉरी यूट्यूब के लिए हम लोग देते ही नहीं, मतलब हम लोग शॉप्स पे यूट्यूब के लिए देते नहीं। वो क्या सीन है मेरे को नहीं पता, पर तुम्हारा भाई कुछ भी करके ले ही लेता है, ठीक है। और अगर अभी तक तुम लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मेंस एक्सेसरीज आइस, तो सबसे पहले जाके वो देख के आओ और फिर ये वीडियो पे जंप करो। सो अभी मैं खेलने जाने वाला हूँ, तो अभी खेलने जाऊँगा आधे घंटे में खा पी के, तो फिर उधर जाके थोड़ा सा तुम लोग को शॉर्ट्स दिखाऊंगा और फिर हम लोग वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। प्लीज next day। so guys तुम लोग को ये दिखता रहेगा ये रेड रॉक्स, ये फिर इसके बाजू में इसका नाम क्या है नियाजी, सॉरी ट्रैफिक का आवाज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी जस्ट मैं रिक्शे से उतरा हूँ बीच में तुम लोग को ये बताने के लिए, और अंदर जाके यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो वो लोग का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत, देखो शूज़ तुम लोग देख सकते हो, और यहाँ पे लाइन में ऐसे तुम लोगों को और भी बहुत सारे दुकानें यहाँ पे लाइन में मिलेंगे, और ये सब स्टेशन के नज़दीक ही है। अभी जस्ट मैं रिक्शा, उधर मेरा रिक्शा खड़ा है, अंदर नज़ीर बैठा है, और मैंने अभी रिक्शे को रुकाया है क्योंकि मेरे को तुम लोगों को ये दिखाना ही था कि मैंने कहाँ से मेरा फोम रनर्स लिया है, और मैंने यहाँ से थोड़े ज़्यादा प्राइस डाल के लिया है, पर यहाँ का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट स्टेप ये यहाँ पे है, सीधा लाइन में तुम लोगों को बहुत सारी दुकान मिलने वाली है, और यहाँ से ही अगर आगे जाएंगे ना वहाँ वो साइड में ना वो साइड में तुम लोगों को जस्ट वॉक का भी स्टोर मिल जाएगा। और अभी मैं सीधा निकल रहा हूँ स्टेशन क्योंकि मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मैं तुम लोग के लिए अभी बताने के लिए रुका था। ओके, सो टाइम आ गया है अभी ब्लॉग एंड करने का। सो आज का ब्लॉग एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा ब्लॉग था, और वीडियो एंड करने से पहले मेरे को तुम लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स हिट कर चुके हैं, और मेरे को चाहिए कि तुम लोग 5000 इंटू 2 कर दो, क्योंकि 10K सब्सक्राइबर्स पे मैंने एक बहुत स्पेशल वीडियो सोच के रखा है, मतलब तुम लोग के लिए, और सिर्फ वीडियो नहीं एक गिव अवे का भी सोच के रखा है, वो सारी बातचीत मैं थोड़े टाइम बात करूँगा, पर बहुत स्पेशल होने वाले 10K तुम लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा गया, पर तुम लोग समझ रहे हो मैं यहाँ से विरार से गोरेगांव तक गया और उसके बाद मैं रिटर्न आया, पर मेरे को जैसा प्रॉपर ब्लॉग मतलब जैसा मैं बनाता हूँ एकदम प्रॉपर सब कुछ दिखा विखा के और उसका प्राइस वगैरह बता के, तो मेरे को वो सब तो करने नहीं मिला क्योंकि तुम लोग को पता है मैं यहाँ से वहाँ गया सिर्फ सिनेमैटिक बनाया और रिटर्न आ गया, पर मेरे को पता था कि मैं फालतू का तो मतलब रिटर्न आऊँगा नहीं, कुछ भी करके मैंने सिनेमैटिक बना दिया और उसका प्राइस तुम लोग को दिख गया रहेगा उधर। सो मैं इतना कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, तो तुम लोग का इतना सा फर्ज बनता है कि तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि मेरे को अभी जो कोलैबोरेशंस भी आ रहे हैं क्लोथिंग ब्रांड्स के वो सब मैं एक बार साइड पे रख के मैं सबसे पहले जो तुम लोग को चाहिए वीडियोस, जो मतलब तुम लोग को चाहिए एक्सेसरीज पे चाहिए मॉनसून वेयर पे, तो मैं सबसे पहले वो बनाने का देख रहा हूँ। और अभी जो मेरा शेड्यूल चल रहा है थोड़ा सा बिजी है, पर मैं कैसे कैसे टाइम निकाल रहा हूँ और सबसे पहले तुम लोग को जो वीडियो चाहिए वो दे रहा हूँ। और अगर तुम लोग ने मेरा अकाउंट अच्छे से एकदम स्कैन किया रहेगा तो तुम लोग को पता रहेगा कि मैं सिर्फ फैशन रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं ट्रैवल वर्कआउट फैशन ये तीन कंटेंट्स है मेरे, पर अभी मैं कंटिन्यूसली 4 वीडियोस मतलब मैंने फैशन के ऊपर ही डाल दिए,
क्योंकि मेरे को ज़्यादा लोगों का डिमांड आ रहा था कि ये चीज़ पे दे, ये चीज़ पे दे, तो मैंने सोचा पहले जो तुम लोग को चाहिए वो मैं दे देता हूँ अभी। और मतलब मेरे लोनावला ट्रिप जो मैं फ्रेंड्स के साथ गया था, मेरा ट्रैक ब्लॉग बहुत बहुत अच्छा बना था लोनावला ट्रिप, ये सब में तुम लोग को मेरे हेयर कलर अलग दिखने वाले क्योंकि ये मैंने पहले से ही बना के रखे थे वीडियो। उसके बाद मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम हुआ था, फॉर्मेट करना पड़ा, तो वो सब हट गया था। इसके लिए अभी वो सारे वीडियोज़ में डालने वाला हूँ और वो वीडियोज़ में तुम लोग को इतना मज़ा आने वाला है ना, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे को खुद को एडिटिंग करने इतना मज़ा आएगा ना, क्योंकि मेरे को अभी भी मैं जब भी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ यार कितना मज़ा आया था वो दिन। तो अभी से मैं सीक्वेंस में ब्लॉग्स डालते रहूँगा। अभी जैसे फैशन के मैंने 4 डाल दिए, उसके ऊपर अभी मैं एकदम सीक्वेंस में डालूंगा। एक ट्रैवल ब्लॉग आएगा, एक वर्कआउट ब्लॉग आएगा, एक फैशन ब्लॉग आएगा, तो मैं भी वैसे लाइन में चलते रहूंगा। और बाकी जैसा तुम लोग का डिमांड रहेगा वैसे मैं वीडियोस छोड़ते रहूंगा। कोई भी मतलब मेरे को ज़्यादा अगर डिमांड आया कि ये वीडियो चाहिए तो मैं सबसे पहले वो कर दूंगा। और मैं कोलैबोरेशंस को साइड पे ही रखता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को क्या बेसिस पे वीडियोस डालने हैं। और मेरे पास बहुत वीडियोस बना के पड़े, पर मेरे फ़ोन का सीन हुआ था इसके लिए वो सारे मैं डाल नहीं पाया, पर वो भी अभी धीरे 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 करके बीच बीच में मैं डालते जाऊँगा। ठीक है, तो तुम लोग से इतना सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 10K सब्सक्राइबर्स हिट करवा दो। तुम लोग के लिए भी ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है वो, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब फुल एकदम पार्टी वार्टी करेंगे। ठीक है, तो और गिव अवे भी रखने वाला हूँ, तो वो सब मैं आगे आगे तुम लोग को बता दूंगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरे को बताना मत भूलना, कमेंट में कमेंट ड्रॉप कर देना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को अगर 10K ये मंथ के अंदर हम लोग ये मंथ के अंदर अगर हम लोग 10K हिट कर दें। सो ये वीडियो को हम लोग इधर ही एंड करते हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, पीस ब्रो, नो पीस गाइस, चलो बाय। माँ के लिए लिखूँ आजादी, परे पन्ने कोरे कुछ जानते नहीं जरा भी, कलम मेरी शायद शराबी, लिख देती फीलिंग्स बन के नवाबी, हर वक्त कुछ कहता हूँ बाप से, उम्मीद है मुझसे अब मेरी भी आस है।